नंबर टू देखिए क्या क्या, निम्नलिखित कथनों में परिमाण वाचक वाक्यांश पहचानिए और कथनों के निषेधन लिखिए, यानी कि कथनों का अपोजिट हमें लिखना होगा और इसमें जो परिमाण वाचक वाक्यांश प्रयोग होगा उसको बताना है। पहला देखिए, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है, तो इसमें यही ना प्रयोग हुआ है, एक ऐसी का ऐसी संख्या का अस्तित्व है, यहाँ पे देखना, यानी कि एक ऐसे का अस्तित्व है, इसमें यही ना प्रयोग हुआ है, परिमाण वाचक वाक्यांश सही है, दो ही ना परिमाण वाचक वाक्या परिमाण वाचक वाक्यांश से एक ऐसे का अस्तित्व है या सभी के लिए या प्रत्येक के लिए, ना जी, एक ऐसे का अस्तित्व है, ठीक है। और इसका निषेधन निकालना है, निषेधन यानी कि जो आपके पास कथन दिया है ना उसका अपोजिट लिखना होगा, क्या लिखना होगा कथन में, यहाँ पे लिख देंगे कि एक ऐसी संख्या का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है, समझ गए,